आयोजक हैं। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। गुजरात के मोरबी हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 140 के पार, 50 से ज्यादा लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी ने मोरबी हादसे को लेकर जताया दुख, अहमदाबाद का रोड शो किया रद्द, मोरबी जा सकते हैं प्रधानमंत्री। सरदार पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम, जयपुर में ओटीएस स्थित पटेल मूर्ति से जेडीए सर्किल इंदिरा गांधी प्रतिमा तक निकलेगी भारत जोड़ो यात्रा। आस्था के महापर्व छठ पर्व पर उगते सूर्य को अर्घ, दिल्ली से लेकर पटना तक नदी के घाटों पर उल्लास, पवित्र जलाशयों में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना। पीएम मोदी 1 नवंबर को मानगढ़ धाम का करेंगे दौरा, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीरमपुर, खेड़ ब्रह्मा और भिलौदा में जनसभा को संबोधित किया, बीजेपी पर साधा निशाना। गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा, मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूटा, करीब 400 से ज्यादा लोग नदी में गिरे, राहत बचाव कार्य जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने किया सरदार पटेल को नमन, सरदार पटेल की जयंती पर शाह ने दी श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी दी श्रद्धांजलि। प्रतापगढ़ में शातिर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस ने 6 पानी की मोटर भी बरामद की। मेड़ता सिटी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के बारे में जानकारी दी गई। अजमेर के बाड़ली गांव में खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर हो रहा अतिक्रमण, सरपंच को दे रहे जान से मारने की धमकियां। डीडवारा में टोल नाके के पास हुआ सड़क हादसा, सड़क पर गाय आने से टकराई बाइक, युवक और महिला घायल। बौली थाना अंतर्गत मित्रपुरा तहसील क्षेत्र में कुएं की सीढ़ी पर मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। प्रदेश में निर्माण कार्य एवं मैन्युफैक्चर्ड सैंड को बढ़ावा देने के लिए सरकार एम सैंड नीति लाई, नदियों से निकलने वाली बजरी पर निर्भरता कम होगी। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज, दिल्ली में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित, सोनिया गांधी समेत कांग्रेसियों ने अर्पित की पुष्पांजलि। जोधपुर के फलौदी में आवारा सांडों का आतंक, आवारा सांडों की लड़ाई में 4 राहगीर गंभीर घायल। अजमेर के पिसांगन में फसल में लगी आग, ग्वार और ज्वार की फसल जलकर खाक। प्रतापगढ़ की पारसोला थाना पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 4 स्थायी वारंटियों को किया गिरफ्तार। असम में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, विश्वनाथ जिले में 40 लाख रुपए की शराब की जब्त, 5 लोग गिरफ्तार। मुंबई के लालबाग फ्लाईओवर पर एक ओवरलोड ट्रक पलटा, हादसे में 3 लोग हुए घायल, घायलों को जेजे अस्पताल में कराया भर्ती। पटना में एक कलाकार ने रेत पर बनाई भगवान सूर्य की तस्वीर, कलाकार ने कहा कि बिहार में लोक आस्था का सबसे महान पर्व छठ। टोंक में आग से 40 ट्रॉली चारा, 300 पाइप जले, 5 किसानों को 8 लाख का नुकसान, 1 घंटे में आग पर पाया काबू। कोटा में 5 घंटे में 3 मगरमच्छ पकड़े, नदी व नाले से निकलकर मैरिज गार्डन व बाड़े में आए फॉरेस्ट की टीम ने रेस्क्यू किया। बिजनेस वुमन से दुष्कर्म का मामला, तुषार नामक युवक पर दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। उदयपुर में चेस टूर्नामेंट में हुए रोमांचक मुकाबले, राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता, 16 जिलों के 125 खिलाड़ी ले रहे भाग। मरुधरा में सर्दी का दिखने लगा असर, मौसम विभाग ने दी है कड़ाके की ठंड की चेतावनी, कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी का असर। बॉलीवुड एक्टर अरमान का झुंझुनू में स्वागत, परिवहन मंत्री ओला बोले जिले के लाडले पर गर्व है। आमिर खान की मां को पड़ा दिल का दौरा, जीनत खान मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में है भर्ती। सोशल मीडिया पर फिर छाए भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा, एथनिक वियर में शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, फैंस हुए लुक के कायल। फिल्म राम सेतु को हुआ वीकेंड का फायदा, 5वें दिन फिल्म ने कमाए 7.30 करोड़ रुपए। प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।